नमस्कार उज्जैन, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 31 अगस्त बुधवार शाम का बुलेटिन। आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की शहर की बड़ी खबरों पर। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। गांधीनगर में रहने वाले युवक का मोबाइल चैरिटेबल अस्पताल से किसी ने चुरा लिया। चोर मोबाइल लौटाने के लिए 2500 रुपए की मांग कर रहा है। पुलिस एवं साइबर सेल में शिकायत करने के बावजूद युवक की समस्या हल नहीं हो पा रही है। इस रिपोर्ट को जानने से पहले ये वीडियो देखिए। 24 तारीख को सुबह मेरा मोबाइल चोरी हो गया। यहाँ से चैरिटेबल से मेरे पिताजी एडमिट थे यहाँ पे, और मैंने FIR भी करवाई है, थाने पे आवेदन भी दिया है, साइबर पे भी आवेदन दिया है मैंने, बाकी मेरी सुनवाई कहीं भी नहीं हो रही है। थाने पे भी मैं जा रही हूँ, लगातार डेली जा रही हूँ थाने पे भी, बाकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मेरा मोबाइल चालू है और मोबाइल वाले से जो मेरा नंबर चला रही है उससे मेरी बात हो रही है, तो वो मेरे से 2500 की डिमांड कर रही है, 2500 रुपये मांग रही है। मेरे से बोले 2500 रुपये दे दो और आपका मोबाइल ले जाओ। मैं जहाँ उनने एक बार मुझे चौक पर भी बुलाया, मैं वहाँ भी गया, गोला मंडी भी गया मैं, तो वो मुझे वहाँ नहीं मिला। आई इन टाइम लोकेशन चेंज हो रही है इसकी। अब हम आपको पूरा माजरा बताते हैं। देवेंद्र गोरे और सोनू गोरे सगे भाई हैं। इनके पिता प्रताप सिंह गोरे हैं। ये लोग आगर रोड के गांधीनगर में रहते हैं। 10 दिन पहले प्रताप सिंह को चैरिटेबल हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। वह जनरल वार्ड में थे। 24 अगस्त को दोनों भाइयों के मोबाइल अस्पताल से ही चोरी हो गए। जब देवेंद्र गोरे ने अपने मोबाइल नंबर पर फोन किया तो मोबाइल उठाने वाले ने 2500 रुपए की डिमांड की। पिछले 6 दिनों में फरियादी ने कई बार चोर से बात की। देवेंद्र गोरे ने पैसे नगद देने की बात की तो चोर ने गोपाल मंदिर, गोला मंडी और नगर कोर्ट आने की बात कही, लेकिन हर बार उसने लोकेशन बदल दी। अपनी समस्या लेकर देवेंद्र पुलिस और साइबर सेल के पास भी गए, लेकिन 7 दिन बीतने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसे में देवेंद्र गोरे परेशान हो रहे हैं। आरके डेवलपर्स लाए हैं गणेश उत्सव में भव्य आवास मेला। आपके लिए बेहतरीन ऑफर्स और आकर्षक इनाम जीतने का सुनहरा मौका। बुकिंग मात्र 11,000 रुपए में। श्री महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती दर्शन अभिषेक कराने के नाम पर श्रद्धालुओं को ठगने का गोरख धंधा चल रहा है। ऐसा ही गोरख धंधा करने वाले हरियाणा सेवा समाज आश्रम के कृष्णगिरी के खिलाफ महाकाल पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। कृष्णगिरी ने जयपुर से आए 5 श्रद्धालुओं से भस्म आरती कराने के लिए 1300 रुपए प्रति व्यक्ति वसूले थे। इन श्रद्धालुओं को उसने भस्म आरती भी नहीं कराई थी। शिकायत को प्रशासक ने अपने पास दबा कर रख लिया था, लेकिन कलेक्टर के कड़े रुख के कारण प्रशासक ने कर्मचारी भेज कर रिपोर्ट दर्ज कराई है। जयपुर के अनमोल शर्मा 7 अगस्त को श्री महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने के लिए आए थे। उन्होंने इस संबंध में कर्कराज पार्किंग के पास स्थित हरियाणा सेवा समाज आश्रम के कृष्णगिरी से संपर्क किया था। उन्होंने रूम चार्ज 2000 रुपए, जलाभिषेक व दर्शन के लिए 1500 रुपए और भस्म आरती के लिए 1300 रुपए प्रति व्यक्ति चार्ज किया था। अनमोल शर्मा ने राशि कृष्णगिरी को अदा भी कर दी थी, लेकिन उन्होंने दर्शन और भस्म आरती दोनों ही नहीं करवाए। इसके बाद मंदिर प्रबंध समिति के प्रशासक को शिकायत की गई, लेकिन वह शिकायत को दबाए बैठे रहे। हाल ही में मामला जब कलेक्टर आशीष सिंह के पास पहुंचा, तो उन्होंने FIR तत्काल कराने का आदेश दिया। इसके बाद ताबड़तोड़ कर्मचारी दिनेश शर्मा को महाकाल थाने भेजा गया। पुलिस ने कृष्णगिरी के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। यहाँ हम आपको बता दें कि ये मामला तो शिकायत होने के कारण पकड़ में आ गया। असल में मंदिर में दर्शन कराने के नाम पर पूरा रैकेट काम कर रहा है। इस रैकेट में कई लोग शामिल हैं। ये लोग महाकालेश्वर मंदिर की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं। दौलतगंज माध्यमिक विद्यालय की छत का प्लास्टर गिरने के बाद शहर कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया और नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष रवि राय मुआवजा करने पहुंचे। वाटर हार्वेस्टिंग के कारण छत के सीतन आ रही है। शिक्षा विभाग के इंजीनियर ने भी मौका मुआयना किया है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया एवं नेता प्रतिपक्ष रवि राय के साथ के कांग्रेसी पार्षद दौलतगंज स्थित शासकीय स्कूल पहुंचे। 2 दिन पहले स्कूल के क्लासरूम की छत का प्लास्टर गिरा था। इसका निरीक्षण करने कांग्रेसी पहुंचे थे। प्राचार्य नीलिमा दुबे ने बताया कि बुधवार दोपहर विभाग के इंजीनियर निरीक्षण कर गए हैं। इंजीनियर ने बताया कि स्कूल भवन में लगे वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की लाइन चौक होने से पूरे भवन की छत पर पानी भरा रहा है, जिस कारण छतें रिस रही है और दीवारों में सीलन आ रही है।
इंजीनियर स्कूल भवन की बिल्डिंग का एस्टीमेट बनाकर गए हैं। जल्द ही रिपेयरिंग का काम भी शुरू किया जाएगा। साथ ही प्राचार्य ने एक शिक्षक द्वारा लिखित में पानी टपकने की शिकायत मिलने की बात को भी नकारते हुए कहा कि उनके पास किसी भी शिक्षक की कोई भी शिकायत लिखित में प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने सूचना लिखित में सूचना दी है, कई बार दी है, ये तो गलत बात है। बारिश का पानी टपक रहा था, ये तो सच है, क्योंकि हमारे भी कक्ष जो हैं वो इस साल की बारिश में जो अभी हुई थी 2-3 दिन की, तो वो टपक रहे थे और वो धूप निकल आती फिर वो हो जाते हैं, ये तो कोई वो नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि कार्यवाही ये आज इंजीनियर आए थे, हमारे विभाग से हमारे अधिकारियों ने भेजा था, 2 इंजीनियर आए थे, उन्होंने सारे कक्षों का अवलोकन किया और वो यहाँ से लेकर के गए हैं कि हम ये इसका एस्टीमेट वगैरह रिपेयरिंग का बना करके देंगे। तो कार्यवाही तो ये सोचो कि शुरू हो गई है और हमारे अधिकारी भी बराबर सतत संपर्क में हैं। उन्होंने तो देखिए ये जो स्थिति देखी है, ये बारिश के कारण जो वाटर हार्वेस्टिंग हुआ है तो वो कहीं उसका पानी इकट्ठा हो रहा है। दूसरा वो जो हमारे शासकीय भवन है उसके पीछे जो निजी भवन है लोगों के, उसका पानी जो है पूरा आउटलेट पानी हमारे इस बिल्डिंग के ऊपर आ रहा है। शहर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में सभी नेता प्रतिपक्ष, उपनेता, सचेतक और सारे पार्षदगण यहाँ पर दौलतगंज स्कूल में आए हैं और यहाँ मिडिल क्लास जहाँ लगती है वहाँ हमने जाके देखा कि छत जो है पूरी टूटी हुई थी, उसमें नीचे पूरा मटेरियल पड़ा हुआ था। अगर चलते में, क्लास चलते में अगर ये छत गिर जाती तो कितना बड़ा हादसा होता, बच्चे कोई क्षति भी हो सकती थी। ये जिन लोगों ने आज इसको, शायद मैंने बता रहे हैं सभी लोग, 14-15 साल हो गए हैं, 15 साल में बिल्डिंग की स्थिति नहीं रहती है, 40-40, 50-50 साल बिल्डिंग चलती हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि 12-14 साल में बिल्डिंग की हालत है। अब आपने देखा अंदर कितनी सीत थी, उस सीत के अंदर बच्चे पढ़ रहे थे। स्कूल वालों का कहना है कि वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम खराब हो चुका है तो छत पर पानी आता है, तो जब पानी आ रहा था तो जब पानी टपक रहा होगा या सीत में बच्चे बैठ रहे होंगे, जब इसकी शिकायत क्यों नहीं की। मैं तो कहता हूँ कि जिस ठेकेदार ने इस बिल्डिंग को बनाया है उसके प्रति, उसके ऊपर FIR होना चाहिए। नगर निगम के जो इंजीनियर जिन्होंने इसको पास किया है उनके ऊपर भी FIR दर्ज होना चाहिए। महंगाई का डंक झेल रहे लोगों पर गुरुवार से फिर महंगाई की मार पड़ेगी। खेरची में दूध के दाम 2 लीटर बढ़ाए जाएंगे। अमूल और सांची के दाम बढ़ाने के बाद ये फैसला खेरची दूध विक्रेता संघ ने किया है। एक समय था जब दूध के दाम साल में 2 बार बढ़ते थे, लेकिन अब दौर बदल गया है और दाम कभी भी बढ़ा दिए जाते हैं। पहले बारिश में हरे चारे की उपलब्धता बढ़ने पर दूध के दाम कम किए जाते थे, लेकिन कम करने वाली संभावना पूरी तरह खत्म कर दी गई है। कुछ दिन पहले ही अमूल और सांची ने अपने दूध की कीमतें बढ़ाई थी और अब खेरची दूध विक्रेता संघ ने कीमत बढ़ाने का फैसला कर लिया है। दूध की बड़ी कीमतें गुरुवार से लागू होगी और अब 54 रुपए की जगह 56 रुपए लीटर में दूध दिया जाएगा। सांची ने अपने दूध की कीमत 59 रुपए लीटर रखी है। नगर निगम का ढर्रा सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ये है कि कर्मचारी अफसरों के आदेश को घोलकर पिए जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है। इसमें एक कर्मचारी नेता ने नई पदस्थापना स्थल पर ज्वाइन नहीं किया। नगर निगम के अपर आयुक्त आदित्य नागर ने 26 अगस्त को 3 कर्मचारियों के तबादले किए थे। ये कर्मचारी रमेश रघुवंशी, अनिल सोनी और महेंद्र तिवारी हैं। इनमें से महेंद्र तिवारी कर्मचारी संघ के मुखिया हैं और कर्मचारियों की तरफ से निगमायुक्त के सामने पक्ष रखते हैं। उन्हें स्थापना शाखा में अधीक्षक बनाया गया है और उन्होंने 5 दिन बाद भी यहाँ ज्वाइनिंग नहीं दी है। अब देखने वाली बात यह है कि वह आदेश का पालन करते हैं या नहीं। बहरहाल हम ये तो मान ही सकते हैं कि नगर निगम का ढर्रा सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा, ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। भाई न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक कमेंट सेक्शन या इनबॉक्स के जरिए जरूर पहुंचाएं। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।